ये जो रिश्तेदार आएंगे ये कहाँ जाएंगे? ये तो रास्ता तो पता था, बहुत खास संगत है, लेकिन जो रिश्तेदार है निरंकार से नहीं जुड़े हुए हैं ये कहाँ धक्के खाएंगे? साथ संगत यहाँ पर रासने गाँव में संगत कराने का विचार किया और तकरीबन एक महीने से मन में यही विचार कि बारिश होगी, यही मन में विचार था बारिश होगी और टैंक टपकेगा। ये क्या नहीं कर सकता, मन में आ रहा है कि टैंक टपकेगा और दास ने उसी दिन से ही एक महीना हो गया है कृपाल पूछ रहा है संत माता से, कृपाल है तुम्हारे पास? हर किसी का टैंक वाले से अगर कृपाल रहेगा कृपाल की पास है लिया सब फेले इसके सामने, ये क्या नहीं कर सकता। इसको जो दिल से मानता है, जो इसको जान चुका है, वो उसकी मन को हमको पूर्ण करके रहता है। साथ संग जी आज दास के तीन बच्चों का जन्म तो है ही, लेकिन दास का जन्मदिन है, दास का जन्मदिन जन्माष्टमी, दास दिन पैदा हुआ, लेकिन जब इन बच्चों का जन्मदिन होता है दास जी का जन्म करता, मेरा भी जन्मदिन हो रहा भाई। खाना जन्मदिन का आप सब करके चरण घर में पड़ जाते हैं तो दास आधाए बाधाए सब दूर हो जाती है, एक साल की तो हो जाती है, ऐसा कहते हैं जीवन भर की हो जाती है। दास समझता है एक साल से दूर हो गई, दूसरी बार फिर आएगा दास आपको बुला लेगा। दास समझिए बख्शो, इतना प्यार शायद कहीं नहीं मिला जितना यार निरंकारी मिशन में मिला है। और दास आगे भी ऐसे ही संगत कराता रहे और आपके चरण घर में डलवाता रहे, कृपा करो। माता जी इंद्रदेव को इतना भी हिम्मत भेजो जिस तरह से आज आपने भेजे हैं, और इधर उधर थोड़ा सा परेशान हो गए हैं, कृपा करना माता जी। और सभी के जो दूर दूर से जो महात्मा चल करके आए हैं उनके घर में अंजन का भंडार भरना और उनकी सेवा को प्रमाण करना। साथ संगत जी प्यार से कहना जी।